क्लास एफएससी पार्ट टू की आज हमने एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करनी है। 1.2 का हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें फंक्शंस की वैल्यूज दे दी गई हैं और हमने फंक्शंस जो है, जैसे इसका पार्ट ए जो है, इसमें हमने फाइंड करना है एफ ऑफ जी एक्स, मीन्स जी एक्स फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एफ के फंक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है जी ओ एफ एक्स, तो इस फंक्शन में हमने वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन एफ की, लेकिन जी के फंक्शन में वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट इज सेल्फ फंक्शंस है, एफ की वैल्यू एफ के फंक्शन में ही फाइंड करनी है, और डी जो पार्ट है इसमें जी की वैल्यू जी के फंक्शन में ही फाइंड करनी है। ये क्वेश्चंस थोड़े लेंथी हैं, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बट हम इनको इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दी गई है 2x + 1 और जी एक्स की वैल्यू है 3/x - 1। तो हमने फर्स्ट हमारा ए पार्ट जो है इसमें हमने फाइंड करना है एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं फर्स्ट फंक्शन इसी तरह लिखूंगी, एफ इन टू ये ओ जो हमारे पास है, ये ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा है एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एक्स। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर दी है ऑफ की जगह पे, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू लगा दूंगी। जी ऑफ एक्स, बल्कि पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ गया। अब मैं यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस करूंगी एफ इन टू जी ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास ये है 3/x - 1। अब मैं क्या करूंगी कि मेरे पास जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है इसको मैंने रिप्लेस करना है एफ के फंक्शन में। एफ के फंक्शन में कहाँ रिप्लेस करना है, जहां पे हमें फंक्शन में एक्स दिया गया है, इस x की जगह पे हमने इस कंप्लीट फंक्शन को g ऑफ x को हमने रिप्लेस करना है सेकंड फंक्शन में x की जगह पे। इस x की जगह पे मैं ये वैल्यू लगाऊंगी। अब हम सेकंड फंक्शन पे आ गए हैं, f वाला फंक्शन हमारे पास क्या है 2 × x, लेकिन x की जगह पे हमने रिप्लेस करना है g ऑफ x को, ये वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास 3/x - 1, और अभी f ऑफ x जो फंक्शन है उसमें +1 रहता है, यहाँ पे मैं +1 भी लिख लूंगी। ये हमने क्या काम किया है, ऐसा किया है कि f के फंक्शन में g ऑफ x की वैल्यू रिप्लेस कर दी है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 2 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आएगा 6/x - 1 + 1। अब हम इसका एलसीएम जब लेंगे तो आगे हमने सिंपल इसकी सिंप्लीफिकेशन ही करनी है, +x - 1/x - 1। तो मेरे पास एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या आई है, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू मेरे पास आई है 6 - 1 जो है ये आ गया 5 + x / x - 1, ये मेरे पास जी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू आ गई है। अब हम अपना बी पार्ट करते हैं, अब हमारे पास सेकंड पार्ट जो इसका है वो बी पार्ट है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में भी हमने सेम फर्स्ट फंक्शन हमने पहले लिख लेना है इनटू एफ एक्स फंक्शन। अब मैंने जैसे हमने फर्स्ट ए वाले पार्ट में किया था कि फंक्शन की वैल्यू पुट की थी, तो हमने ब्रैकेट के अंदर रखा है, ब्रैकेट के अंदर इस दफा मेरे पास है एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी जी इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगी जो कि है 2x + 1। 2x + 1 मैंने पुट कर दी है। अब मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे जी की जगह पे जहाँ एक्स आ रहा है, इस जगह पे मैंने ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स की रिप्लेस कर दिया। तो जी वाला फंक्शन लिखते हैं 3/x - 1 है, लेकिन एक्स की जगह पे हमने एफ एक्स वाला फंक्शन रिप्लेस करना है, मतलब ये वैल्यू आएगी एक्स की जगह पे, तो हमारे पास क्या बनेगा 2x + 1 - 1। ये +1 और -1 जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 3/2x। 3/2x हमारे पास आंसर आया है बी पार्ट का, जो कि है जी ओ
एफ ऑफ एक्स। अब हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एफ एक्स जो कि हमारे पास है सी पार्ट। ये फाइंड करने के लिए सेम मेथड है, फर्स्ट फंक्शन को सेपरेट कर लें, एफ इंटू सेकेंड फंक्शन अंदर लिख लेना है। अब हमने क्या करना है, अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू पुट कर देनी है। अंदर वाला फंक्शन मतलब कि एफ ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है 2x+1, एफ इंटू 2x+1। लेकिन सी पार्ट के केस में हमारे पास ऐसा है कि हमने इस फंक्शन की वैल्यू सेम फंक्शन में ही पुट करनी है, मींस के इस वैल्यू को हमने पुट करना है इस फंक्शन के एक्स की जगह पे। ये वाला फंक्शन अगेन लिखते हैं 2, लेकिन एक्स की जगह पे इस बार हमारे पास ये पूरी वैल्यू आ जाएगी क्योंकि हम इस वैल्यू को एफ के फंक्शन में रिप्लेस कर रहे हैं एक्स की जगह पे। 2 × 2x+1 और बाकी क्या है, +1 अगेन आ रहा है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x+2 and +1। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 4x+3। तो ये हमारे पास वैल्यू आई है सी पार्ट की जो कि है एफ ओ एफ एक्स। आपने बस ये बात माइंड में रखनी है कि जो फंक्शन पहले लिखा गया है सेकेंड वाले फंक्शन को आपने अंदर रख लेना है, सेकेंड फंक्शन की वैल्यू पुट कर देनी है और फिर इस वैल्यू को फर्स्ट फंक्शन में एक्स की जगह पे रिप्लेस कर देना है और फिर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। जैसे इस पार्ट में हमने सेकेंड फंक्शन को अंदर रखा है, सेकेंड फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी है और इस वैल्यू को फर्स्ट फंक्शन में एक्स की जगह पे रिप्लेस करके सिंप्लीफिकेशन कर दी है। अब इसका डी पार्ट देखते हैं। जी ऑफ जी एक्स जो है यहाँ पे सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख दिया है, सेकेंड फंक्शन जो है उसको हमने ब्रैकेट में पुट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या था, सेकेंड फंक्शन की वैल्यू पुट कर देनी है। सेकेंड फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3/(x-1)। अब इस वैल्यू को फर्स्ट फंक्शन में x की जगह पे रिप्लेस कर देना है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, g। फर्स्ट फंक्शन में x की जगह पे रिप्लेस करनी है ये वैल्यू, तो हमारे पास आएगा 3/ x की जगह पे जब रिप्लेस करेंगे तो दोबारा आ जाएगा 3/(x-1)। ये वैल्यू हम रिप्लेस कर रहे हैं ना इस फंक्शन के x की जगह पे, तो आ गया 3/(x-1)-1। ये वाला -1 यहाँ पे आ गया। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे, 3/(3−−x+1)। ये माइनस जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जब ये एलसीएम लेंगे और ये वैल्यू यहाँ पे जाएगी, तो माइनस जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो एक्स के साथ माइनस का साइन आ गया और वन के साथ प्लस का साइन। अब यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/(4−x/(x-1)। इस डिनोमिनेटर को हम ऊपर न्यूमिनेटर भी ले जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x-3/(4−x)। ये हमारे पास वैल्यू आई है डी पार्ट की जी ऑफ जी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके अंदर हमारे पास है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में हमने एफ को सेपरेट कर लिया है और इंटरनल फंक्शन जो हमारे पास है वो जी ऑफ एक्स है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1/(x²)। 1/(x²) पुट कर दिया। अब 1/(x²) को हमने पुट करना है एफ के फंक्शन में। एफ का फंक्शन हमारे पास क्या है, √(x+1)। इसमें एक्स की जगह पे हमने जी ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देना है।
x की जगह पे जब g ऑफ x को रिप्लेस किया तो हमारे पास आएगा ये वैल्यू, हमने यहाँ पे x की जगह रिप्लेस की तो हमारे पास आया अंडर रूट 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। इसका एलसीएम नीचे से ले लें, x स्क्वायर का एलसीएम में इसके साथ तो आएगा 1 प्लस x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। ये ऊपर वाला x स्क्वायर तो कैंसिल नहीं हो सकता इसके साथ इस प्लस के साइन की वजह से, लेकिन नीचे वाला जो स्क्वायर है ये इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर सिंपल एक्स। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो बी पार्ट है जी ऑफ एफ एक्स के अंदर हमने जी को सेपरेट कर लिया और एफ एक्स को सेपरेट कर लिया, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने। एफ एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास है अंडर रूट एक्स प्लस 1, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। अब एफ ऑफ एक्स जो है इस फंक्शन को हमने रिप्लेस करना है जी ऑफ एक्स में। जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 ओवर एक्स स्क्वायर। 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पे जब इसको पुट करेंगे तो ये स्क्वायर जो है ये इस वैल्यू के ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिलेशन हो जाएगी इनकी और आंसर आएगा जी ऑफ एक्स का 1 ओवर एक्स प्लस 1। इसका जो सी पार्ट है एफ ऑफ एफ एक्स में हमने एफ को ही सेपरेट करना है एफ से। जब हम एफ को सेपरेट करेंगे एफ से तो हमारे पास एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है अंडर रूट एक्स प्लस 1 और इसको हमने अगेन रिप्लेस करना है एफ में। एफ में जब इसे रिप्लेस करेंगे तो इस एक्स की जगह पे मतलब एफ के इस फंक्शन में हमने रिप्लेस करनी है ये पूरी वैल्यू। इस पूरी वैल्यू को जब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू डबल अंडर रूट में आ जाएगी, होल अंडर रूट है और अंडर रूट के अंदर हमारे पास है अगेन अंडर रूट प्लस 1 एक्स प्लस 1 और ये वाला एक्स प्लस 1 जो यहाँ पे फंक्शन के साथ था वो प्लस 1 हमारे पास नीचे आ गया, ये वाला प्लस 1, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है एफ ऑफ एफ एक्स की। तो स्टूडेंट्स अब हमने डी पार्ट में जी ऑफ जी एक्स फाइंड करना है। तो जी ऑफ जी एक्स जो है हमने एक जी ऑफ एक्स को अंदर ब्रैकेट में सेपरेट की है और यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास ये है 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, अगेन मैंने इसको जी के फंक्शन में ही पुट करना है। तो जी के फंक्शन में मैंने इस वैल्यू को पुट करना है इस एक्स की जगह पे। इस एक्स की जगह पे जब मैं इसे पुट करूंगी तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर आया है अगेन, क्योंकि यहाँ पे इस एक्स का भी स्क्वायर है। जब इसका स्क्वायर लूंगी तो 1 का स्क्वायर तो एज इट इज 1 आ जाएगा और x की पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगी। और डबल फ्रैक्शन डबल ओवर को जो है हमें सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए हम जो डिनोमिनेटर होता है नीचे वाले ओवर का उसे ऊपर फर्स्ट जो हमारा फ्रैक्शन होती है हमारा ओवर उसके न्यूमिनेटर में ले आते हैं। तो हमारे पास डबल ओवर जो है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर जो आया है वो जी ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 आया है, क्योंकि ये एक्स की पावर जो 4 है इसको मैं यहाँ लेती हूँ। तो स्टूडेंट्स अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1 और जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो जब हम एफ ऑफ जी फाइंड करेंगे तो अगेन सेम हमने मेथड रिपीट करना है। पहले हमने एफ बाहर लिख लेना है ब्रैकेट के और अंदर हमने जी ऑफ एक्स लिख लेना है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और इसको पुट कर देंगे एफ के फंक्शन में। एफ ऑफ एक्स में जब इसे पुट करेंगे तो एक्स की जगह पे इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन वाला माइनस 1 यहाँ आ गया है, 1 ओवर अंडर रूट के अंदर जो हमारे पास टर्म है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 और जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूँगी तो मेरे पास आएगा एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 1। ये वाला प्लस 1 एंड माइनस 1 जो है ये कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास 1 ओवर अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर जो है उसे कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके जब अंडर रूट से बाहर आएगा वो तो सिर्फ एक्स रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ जी का आंसर आया है 1 ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका जो सेकेंड पार्ट है पार्ट बी जी ऑफ एफ, तो उसमें फर्स्ट फंक्शन हमने पहले एफ ऑफ एक्स ले लेना है और फिर एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स में पुट करना है।
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1 और इसको जी ऑफ एक्स में पुट की है, यहाँ पे एक्स की जगह पे इस फंक्शन को रिप्लेस कर दिया हमने, तो एक्स का यहाँ पे स्क्वेयर था इस वजह से इस टर्म का भी स्क्वेयर आ गया। ये स्क्वेयर जो है ये अंडर रूट को कैंसिल करेगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 1 होल स्क्वेयर। एलसीएम ले लेंगे तो नीचे एक्स माइनस 1 और ये वाला प्लस 1 इस माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा एक्स ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वेयर। सी पार्ट में एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है, मींस एफ एक्स जो फंक्शन है उसको हमने दोबारा एफ ऑफ एक्स में ही पुट करना है, यहाँ पे एक्स की जगह हमने ये पूरा फंक्शन रिप्लेस करना है। तो एफ ऑफ एक्स हमने सेपरेट पहले हम करते हैं एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी है हमने 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब ये पूरी वैल्यू हमने इस फंक्शन में एक्स की जगह पे दोबारा पुट कर दी है ये वाली, तो हमारे पास ये फ्रैक्शन आ गई है 1 ओवर अंडर रूट और उसके बाद दोबारा अंदर है हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1 और ये वाला माइनस 1 हमारा ये फंक्शन का है। जब इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे से, ये सेपरेट टर्म है, इनका एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट एक्स माइनस 1 यहाँ पे अगेन आ जाएगा और ये अब डबल अंडर रूट हो गया है इस टर्म पे भी और इस टर्म पे भी, और हमारे पास जो फ्रैक्शन है हमारे पास ओवर है वो भी हमारे पास दो ओवर आ गए हैं। तो जब ऐसा केस आता है तो हम जो नीचे वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम ऊपर ले जाते हैं। फर्स्ट जो ओवरऑल हमारी फ्रैक्शन होती है उसके न्यूमिरेटर में, तो यहाँ से हम डबल अंडर रूट एक्स माइनस 1 को मैं ऊपर ले आई हूँ और नीचे मेरे पास ये टर्म बच गई है अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1, ये मेरे पास नीचे बच गई है और ये वाली टर्म जो है इसको मैं ऊपर ले गई और मैंने इनका अंडर रूट जो है उसको कंबाइन कर दिया। सिंपली हमारे पास एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आ गई है। अब हमने फाइंड करना है जी ऑफ जी एक्स, इसका जो डी पार्ट है जी ऑफ जी एक्स, इसमें भी हमने सेपरेट कर लेना है जी को, जी ऑफ एक्स सेपरेट कर लिया है और फर्स्ट वाले जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है हमने। जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हमने सिंपल जी ऑफ एक्स की जगह पे लिख दी है, अगेन इसको जी ऑफ एक्स में ही रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे इस एक्स की जगह पे हमने इस पूरी वैल्यू को रिप्लेस करना है, जी में अगेन जो है जी को ही रिप्लेस करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जब, जो कि हमारे पास यही है एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैंने यहाँ लिख दिया है स्क्वायर और वो जो एक्स का स्क्वायर है वो आ गया प्लस 1 और होल स्क्वायर। दोबारा क्या आएगा ये स्क्वायर मैं ओपन कर लेती हूँ, एक्स की पावर 4 हो जाएगी प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 और ये वाला प्लस 1 यहाँ आ गया, प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और सिंपल तीन टर्म्स का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई है जी ऑफ जी एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सेकंड एंड जो थर्ड है वो मैंने आपको हर स्टेप क्लियर करने की पूरी ट्राई की है, अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर यू। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एफ एक्स जो फंक्शन है इसकी वैल्यू दी गई है 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर और जी ऑफ एक्स जो है वो है 2 ओवर अंडर रूट एक्स। तो फर्स्ट हमारा जो ए है पार्ट उसमें हमने फाइंड करना है एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स इसी तरह फाइंड करना है, फर्स्ट फंक्शन लिख लेना है और सेकंड फंक्शन जो है उसे ब्रैकेट में लगाना है, ब्रैकेट में पुट कर देना है, सेकंड फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2 ओवर अंडर रूट एक्स। अब इस वैल्यू को फर्स्ट फंक्शन में पुट कर देंगे, एफ में एक्स की जगह पे हमने इस फंक्शन को पुट करना है, 3 एक्स की जगह पे इसे पुट करेंगे तो आएगा 2 ओवर अंडर रूट एक्स की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे इस एक्स की पावर 4 है, माइनस 2 एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह पे फिर इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो आएगा 2 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे 3 इंटू इसका जब स्क्वायर लेंगे तो आएगा
टू की पावर फोर जो है वो हमारे पास आएगा 16 ओवर, ये डिनोमिनेटर में हमारे पास x की जो वैल्यू है इस तरह से देखें तो x की वैल्यू है 1/2 और इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो x की पावर आएगी 2, x का स्क्वायर रह जाएगा माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 आ गया और यहाँ पे सिंपल x बच जाएगा। जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 48 ओवर एक्स स्क्वायर इनटू सॉरी माइनस 8 ओवर एक्स। अब इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन भी इसकी कर सकते हैं तो चले कर ही लेते हैं। 48 एलसीएम ले सकते हैं, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर और ऊपर आएगा 48 माइनस 8x। एलसीएम तो लेना आपको आता होगा स्टूडेंट, यहां से हम 8 कॉमन ले लेते हैं अंदर हमारे पास ये बच गया ओवर एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आई है जी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स की। नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं, सेकंड पार्ट जो इसका बी है उसमें हमने फाइंड करना है जी ऑफ एफ एक्स इन फंक्शंस के लिए। फर्स्ट फंक्शन हमने ऐसी लिख ली है और सेकंड फंक्शन जो है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, पहले तो इसको सेपरेट कर लेंगे, जी इंटू एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है वो है हमारे पास 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। इस वैल्यू को हमने g के फंक्शन में पुट कर देना है x की जगह पे, तो g वाला फंक्शन हमारे पास जो है वो है 2 ओवर अंडर रूट x है, तो लेकिन अब अंडर रूट में हमने x की जगह पे वैल्यू जो है उसको रिप्लेस करना है, तो जो वैल्यू हमने रिप्लेस करनी है वो है 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। यहां से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 2 ओवर एक्स, अब जब बाहर आएगा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके अंडर रूट से बाहर आएगा तो उसका स्क्वायर जो है वो अंडर रूट की पावर से कैंसिल हो जाएगा और सिंपल एक्स बच जाएगा। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये हमारे पास वैल्यू आई है जी ऑफ एफ एक्स की। अब हमने फाइंड करना है सी पार्ट में एफ ऑफ एफ एक्स। फर्स्ट फंक्शन हमने उसी तरह से सेपरेट कर लेना है, एफ इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास है 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर 3, अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है 3x 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब अगेन इस वैल्यू को हमने f के फंक्शन में ही पुट करना है, तो वो हमारे पास क्या है 3 इंटू x की जगह पे ये पूरी वैल्यू रिप्लेस करनी है तो हमारे पास आ जाएगा 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। और इसकी पावर हमने लेनी है 4 क्योंकि हमने इसे इस x की जगह पे रिप्लेस किया जिसकी पावर 4 है, यहाँ पे 4 आ गया। आगे क्या है हमारे पास फंक्शन में माइनस 2 और माइनस 2 के बाद दोबारा x की जगह पे हमने रिप्लेस कर देनी है ये वाली वैल्यू 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर और अब ऊपर इसका स्क्वायर आ गया क्योंकि यहाँ पे इस एक्स के ऊपर स्क्वायर है, ये हमारे पास एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आ गई है। इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे, इसकी इतनी सिंप्लीफिकेशन काफी है। अब हमने डी पार्ट करना है जी ऑफ जी एक्स वाला।
बी पार्ट में हमने जी ऑफ जी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम फर्स्ट फंक्शन को सेपरेट कर लेंगे, सेम मेथड है हमारे पास। और ब्रैकेट के अंदर हमने सेकंड फंक्शन ले लिया है, वो भी हमारे पास जी ऑफ एक्स ही है। अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास है 2/√x। अब इस वैल्यू को हमने बाहर वाले फंक्शन में x की जगह पे रिप्लेस कर देना है, जो कि हमारे पास आ जाएगा 2/√। अब इस अंडर रूट के अंदर ये x है, लेकिन इस x की जगह पे हमने ये वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो ये वैल्यू जो है ये है 2/√x। टू इसी तरह आ जाएगा, हमारे पास 2/√2 भी ऐसे ही आ जाएगा, ओवर में हमारे पास क्या आएगा, ये जो x है इसके पहले से ही पावर जो है वो है 1/2। और जब इस अंडर रूट की पावर भी इसके साथ मिल जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x की पावर जो है वो आ जाएगी 1/4, डबल अंडर रूट है, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी जब 1/2 जो है इस अंडर रूट की पावर है और इस अंडर रूट की पावर भी 1/2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/x^(1/4। अब इस डिनोमिनेटर को हम न्यूमिनेटर में ले जाते हैं, 2×(x^(1/4), √2। ये हमारे पास आंसर आ गया है g(x) का। तो स्टूडेंट्स आज हमने इसका फर्स्ट जो है क्वेश्चन कर लिया, सो अब नेक्स्ट हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।